सुल्तानपुर जिलाधिकारी श्री इंद्रमती ने जलगांव घोषित ग्राम पंचायत मलिकपुर भदैया का किया आकस्मिक निरीक्षण। निरीक्षण में मनरेगा के अंतर्गत तालाब की खुदाई होती पाई गई। निरीक्षण के दौरान तालाब की खुदाई में लगी कुल 25 महिला श्रमिकों द्वारा कार्य करते हुए पाए जाने पर प्रसन्नता की व्यक्त और महिला सशक्तिकरण का माना उदाहरण। खंड विकास अधिकारी को किया निर्देशित, तालाब के चारों ओर लगाए जाएं वृक्ष। सुल्तानपुर के दोस्तपुर थाना क्षेत्र के उघड़पुर भटपुरा गांव में सड़क के किनारे झाड़ी में मिली नवजात बच्ची। ग्रामीणों ने बच्ची को झाड़ी से निकाला, शरीर को साफ कर पहनाए कपड़े। दोस्तपुर थाना अध्यक्ष को भी किया गया सूचित। सुल्तानपुर में मौत को दावत देती दिख रही बगौना नहर पुल की रेलिंग। दिल्ली वल्लीपुर मार्ग पर स्थित बगौना शारदा सहायक खंड 16 नहर पुल की रेलिंग हुई है क्षतिग्रस्त। पिछले कुछ वर्षों से पुल के दोनों तरफ का यही है हाल। नहर पुल की टूटी रेलिंग मौत को दे रही है दावत। आने जाने वाले राहगीरों में बना रहता है भय का माहौल। कभी भी किसी भी समय घट सकती है भारी दुर्घटना। सुल्तानपुर में AIMIM कटूल प्लाजा पर खिदमत एक हल्क का सिलसिला है जारी। लगातार लोगों की मदद में आ रहे हैं आगे। राहगीरों के खाने पीने के इंतजाम में लगे हैं मजलिस के सिपाही। सुल्तान बिन उमर के नेतृत्व में हुआ कार्य। पार्टी के जिला अध्यक्ष सरफराज अहमद, जिला सचिव सिल्वी सईद, मोहम्मद दानिस आदि लोग रहे मौजूद। सुल्तानपुर के कादीपुर में सम्मानित किए गए कोरोना वॉरियर्स। दुर्बली प्रसाद मेमोरियल ट्रस्ट गोपालपुर नमाजगढ़ ने किया सम्मानित। वरिष्ठ पत्रकार केशव प्रसाद मिश्र, रमाकांत बरनवाल, ज्ञानेन्द्र विक्रम सिंह रवि आदि को अंगवस्त्र व सम्मान पत्र देकर किया गया सम्मानित। सुल्तानपुर में बबीता अखिलेश तिवारी के नेतृत्व में संप्रवर्तन अधिकारी व उनके सहयोगी ने सहगौली गांव में 150 श्रमिक लोगों का किया पंजीकरण। कोरोना बीमारी से बचाव के लिए बबीता अखिलेश तिवारी ने लोगों को किया मास्क वितरित। बबीता अखिलेश तिवारी का लगातार जारी है सेवा भाव। सुल्तानपुर जिला अधिकारी श्री इंद्रमती ने कलेक्ट्रेट कक्ष में अपर जिला अधिकारी व समस्त उप जिला अधिकारियों के साथ की आवश्यक बैठक। बैठक में समस्त उप जिला अधिकारियों को किया गया निर्देशित। जिन प्रवासियों को अद्यतन राशन किट नहीं हो पाया है उपलब्ध, पोर्टल से उनका विवरण प्राप्त कर 4 जून से पूर्व उन्हें भी कराए मुहैया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचता है।